हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जो मैंने अभी आपको ये बात बोली है, ये कैसे आप तक पहुंच रही है? ये पहुंच रही है एक माध्यम से, एक वाहन के थ्रू। और ये जो वाहन है, इसको हम लोग बोलते हैं सेंटेंस। तो हम जानते हैं कि किसी भी सेंटेंस को या किसी भी वाहन को चलने के लिए उसमें चक्के चाहिए, उसमें व्हील चाहिए, और उसे चलाने के लिए ड्राइवर चाहिए। तो जो हमारा सेंटेंस रूपी वाहन है, उसको चलने के लिए जो व्हील है, जो चक्के हैं सेंटेंस के, उसे बोलते हैं वर्ब। और जो इसको चलाता है, जो ड्राइवर है, वो है सब्जेक्ट। तो आज का जो वीडियो है, वो हम लोग बात करेंगे सेंटेंस के ड्राइवर की, मतलब कि सब्जेक्ट के बारे में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो देर न करते हुए चलिए हम लोग चलते हैं अपने चैनल पे, जिसका नाम है कृष्णा इंग्लिश एकेडमी। तो सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट सब्जेक्ट को जानने के पहले हम देखते हैं कि वर्ब क्या है। और आप देखेंगे कि बिना वर्ब का कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है। बिना वर्ब का तो सेंटेंस ही नहीं होता है। तो वर्ब क्या होता है? वर्ब आर वर्ड्स दैट एक्सप्रेस एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। मतलब कि वर्ब ऐसा शब्द है जो किसी क्रिया के होने या ना होने का बोध कराता है। और जब क्रिया हो रही है, तो जरूर उसे कोई ना कोई कर रहा होगा। मतलब समवन इज देयर टू डू द वर्क। और कहीं ना कहीं या किसी चीज़ के ऊपर, किसी आइडिया के ऊपर काम हो रहा होगा। तो जो पर्सन है, प्लेस है, थिंग्स है या आइडिया है, इसको हम क्या बोलते हैं? बिल्कुल सही, इसे हम बोलते हैं नाउन। और इसका मतलब यह हुआ कि जो नाउन है, वो हमारा सब्जेक्ट होता है। नाउन के बदले में जो यूज करते हैं, जैसे ही, सी, इट, दे, इसे बोलते हैं हम प्रोनाउन। इसे प्रोनाउन बोला जाता है। मतलब कि सब्जेक्ट हमेशा नाउन ही हो, ये जब कोई ज़रूरत नहीं है। सब्जेक्ट कई बार प्रोनाउन भी होते हैं। सो एक सब्जेक्ट, एक सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, वो कैसे बनता है? तो एक सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट को मिलाकर के बनता है। और यूं कहें तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को मिलाकर के एक सेंटेंस बनता है। सो प्रेडिकेट क्या है? प्रेडिकेट वो होता है जो सब्जेक्ट के बारे, फोनोग्राफ इज द प्रेडिकेट। कई ऐसे सेंटेंस होते हैं जहां दो या दो से अधिक सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन वर्ब एक होता है। जैसे राम एंड श्याम वेंट होम आफ्टर फुटबॉल मैच। राम और श्याम क्या है? दो सब्जेक्ट हैं। अर्चना एंड अरु प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट फॉर दीप यस्टरडे। इस सेंटेंस में अर्चना और अरु क्या है? सब्जेक्ट हैं। तो जिस तरह हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट होता है, उसी तरह कंपाउंड वर्ब भी होता है। तो कंपाउंड वर्ब क्या होते हैं? एक सेंटेंस के अंदर में अगर दो या दो से ज़्यादा वर्ब हैं और सब्जेक्ट एक है, तो उसे बोलते हैं कंपाउंड वर्ब। जैसे दीप स्क्रीम्ड एंड क्राइड आफ्टर द कॉन्टेस्ट। सो इस सेंटेंस में स्क्रीम्ड एंड क्राइड, ये दोनों वर्ब हैं। अर्चना कंप्लेंड फॉर आवर्स अबाउट एकताज इंसल्ट एंड देन क्रेप्ट होम। सो कंप्लेंड एंड क्रेप्ट, ये दो वर्ब हैं इस सेंटेंस के अंदर में। यहां तक तो हमने देखा कि दो सब्जेक्ट आ सकते हैं किसी सेंटेंस के अंदर में, दो वर्ब भी आ सकते हैं किसी सेंटेंस के अंदर में। लेकिन एक सेंटेंस में हम वर्ब को या फिर सब्जेक्ट को कैसे फाइंड आउट करें? और यूं कहें कि जो हमारा इस आज का वीडियो का विषय है, वह है सब्जेक्ट। तो हम कहें कि सब्जेक्ट को कैसे फाइंड आउट किया जाए? तो सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए, सब्जेक्ट को पहचानने के लिए, सबसे पहले हमें देखना होगा कि उस सेंटेंस में वर्ब कौन है।
तो देखिए, एक समस्या पहले थी, दूसरी समस्या आ गई, लेकिन मैं इस समस्या का चलिए निदान किए देता हूँ। तो बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी आसान है। और वर्ब को पहचानने के लिए सबसे पहले हम वर्ब को पहचाने, और वर्ब को पहचानने के लिए हम उस सेंटेंस में क्वेश्चन पुट करेंगे, उस सेंटेंस से क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट्स हैपनिंग और व्हाट इज। जो आंसर निकल के आएगा वो होगा हमारा वर्ब, और उस वर्ब के आगे अगर आप क्वेश्चन डालते हैं हु और व्हाट, जो आंसर निकल के आता है वो होता है सब्जेक्ट। इसको चलिए हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे रीता पॉलिशेज हर ड्राइव्स ड्यूरिंग आवर्स ऑफ प्रैक्टिस। सो इस सेंटेंस में आप क्वेश्चन डालिए व्हाट्स हैपनिंग और व्हाट इज। क्या कहा, क्या आंसर निकल के आया, पॉलिशेज, बिल्कुल सही। सो पॉलिशेज इज आवर वर्ब, और इस वर्ब के आगे अगर क्वेश्चन डालते हैं हु और व्हाट, तो हमारा सब्जेक्ट मिल जाता है विच इज रीटा। अगले सेंटेंस में देखिए, द रोड हैज बीन क्लोज्ड बाई पीडब्ल्यूडी। इस सेंटेंस में भी आप सेम क्वेश्चन पुट कीजिए, व्हाट्स हैपनिंग और व्हाट इज। यस, बिल्कुल सही पहचाना आपने, हैज बीन क्लोज इज द वर्ब और सब्जेक्ट क्या है, द रोड, द रोड इज द सब्जेक्ट। अगला जो सेंटेंस है, नो मैटर व्हाट द वेदर, सीता नेवर इवन कंसीडर वियरिंग अ कैप। इस सेंटेंस में जो वर्ब है वो है कंसीडर, और जो सब्जेक्ट है वो है सीता। और ये किसी भी वाक्य के लिए आप वही तरीका यूज करेंगे, वही टिप्स यूज करेंगे कि अगर वर्ब हमको आइडेंटिफाई करना है तो उस सेंटेंस में हम क्वेश्चन मार्क डालेंगे व्हाट्स हैपनिंग और व्हाट इज, और अगर हमको सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है तो उस वर्ब के पहले हम क्वेश्चन डालेंगे हु और व्हाट। देन हम जनरली देखते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब के पहले आता है, लेकिन सब्जेक्ट हमेशा वर्ब के पहले आए ये ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है, ऐसा हर जगह संभव नहीं है। एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, ओ हाउ इंटेलिजेंट एम आई, यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट क्या है आई और वर्ब क्या है एम। सो एम सब्जेक्ट के पहले आ रहा है, वर्ब पहले आ रहा है और जो सब्जेक्ट है वो बाद में आ रहा है। देन कुछ ऐसे वाक्य जैसे कि सिट स्टिल, क्लीन योर क्लॉथ्स, स्टॉप राम, इन सभी वाक्य को स्टडी करने से आपको क्या पता चल रहा है, बिल्कुल सही, ये वाक्य शो कर रहे हैं कि कमांड दिया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है। सो ऐसे वाक्य को एक बार हम लोग वन बाय वन स्टडी करेंगे। जैसे देखिए, सिट स्टिल मतलब इस वाक्य में वर्ब क्या है सिट, और सब्जेक्ट क्या है, क्या कहा, सब्जेक्ट नहीं है या आपको नहीं मिल रहा है। चलिए मैं बता देता हूं, इस वाक्य में सब्जेक्ट है यू विच इज अंडरस्टूड, यहां लिखा नहीं हुआ है लेकिन ये अंडरस्टूड है। उसी तरह दूसरा वाक्य जो क्लीन योर क्लॉथ्स, इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट को पता करने के पहले हम देखते हैं वर्ब क्या है, वर्ब इसमें है क्लीन और सब्जेक्ट क्या है, यस बिल्कुल सही, इट्स अगेन यू। स्टॉप राम, इसमें वर्ब क्या है स्टॉप और सब्जेक्ट क्या है, क्या कहा, राम, नहीं नहीं बिल्कुल गलत, इस सेंटेंस में राम सब्जेक्ट नहीं है। अगेन इस सेंटेंस में यू इज द सब्जेक्ट जो कि अंडरस्टूड है, और ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि सब्जेक्ट कौन है और कौन सा सब वर्ब है, तो अगेन सेम वही ट्रिक अपनाएंगे। सो क्वेश्चन में हम किसी भी सेंटेंस में पुट करेंगे व्हाट्स हैपनिंग और व्हाट इज, और वो हमको बताएगा कि वर्ब क्या है, वर्ब के पहले हम अगेन क्वेश्चन मार्क लगाएंगे हु और व्हाट, जो हमको बताएगा कि सब्जेक्ट क्या है।
अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब कैसे आइडेंटिफाई करें। तो डज एवरी वन लव पिज्जा, ये एक सेंटेंस है और इसमें हमको वर्ब और सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है। तो इस सेंटेंस में डज लव वर्ब है, डज एक हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब जो है लव है। सो डज लव वर्ब हो गया और एवरीवन हेल्पिंग वर्ब और एक्चुअल वर्ब के बीच में सब्जेक्ट हमारा है एवरीवन। हैज मोहन एवर बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट, इस सेंटेंस में हैज बीन इलेक्टेड इज द वर्ब एंड मोहन इज द सब्जेक्ट। देन अगला सेंटेंस है वोंट सीतास टीचर चार्ज एक्स्ट्रा। वोंट क्या है, विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है वोंट। सो इस सेंटेंस में जो वर्ब हमारा है वो है विल चार्ज, विल चार्ज इज द वर्ब इन द सेंटेंस। और सब्जेक्ट क्या है, सीतास टीचर, सीतास टीचर इज द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। सो कई ऐसे वाक्य होते हैं जहां एक या एक से अधिक वर्ब यूज होते हैं, लेकिन सभी वर्ब रियल वर्ब हो ये ऐसा संभव नहीं है, ऐसा होता नहीं है। जैसे एक एग्जांपल देखिए, वाइपिंग हिज टीयर्स मोहन प्लीडेड विद द टीचर्स टू फॉरगिव हिज लैक ऑफ होमवर्क। इस सेंटेंस में हम वर्ब पहचानते हैं, वर्ब पहचानेंगे और वर्ब क्या है इसमें, सो वर्ब आता है प्लीडेड, प्लीडेड इज द वर्ब और इसमें प्लीडेड इज द वर्ब और वर्ब वर्ब के आगे अगर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे हु और व्हाट तो जो आंसर निकल के आता है वो है मोहन, मोहन इज द सब्जेक्ट। अगर कोई आपसे पूछे, अगर आपको कोई ऐसा बोले हियर इज 5 crore rupees, सो इस सेंटेंस में आपको पता करना है विच इज द वर्ब और विच इज द सब्जेक्ट। सो इस वाक्य में अगेन हम सेम टिप्स को यूज करेंगे। सो इसमें आप क्वेश्चन मार्क डालिए व्हाट्स हैपनिंग और व्हाट इज, सो क्या आंसर निकल के आ रहा है, यस बिल्कुल सही, इज इज द वर्ब और सब्जेक्ट क्या है, क्या कहा आपने, हियर, हियर बिल्कुल नहीं। सो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वो है 5 crore rupees। सो आपको यह ध्यान रखना चाहिए और हमेशा आपको ध्यान रखना है कि हियर और देयर कभी भी सब्जेक्ट नहीं होते हैं, ये फिलर्स होते हैं, फिलर की तरह यूज किए जाते हैं और कभी भी सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं होते हैं, सब्जेक्ट कभी भी नहीं होते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट और वर्ब को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे किसी भी सेंटेंस के अंदर में। यह वीडियो अगर आपको किसी भी तरह से हेल्प किया हो और अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और दोस्त, अन्य दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू अदर सोशल मीडिया, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन जो है उसे दबा दें ताकि इस समय समय पर मेरी वीडियो आपको आप तक पहुंचती रहे। टिल देन गुड बाय, नमस्कार।